हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। लगभग 2088 के आसपास ये कारोबार कर रहा है और 1 या 1.5% की गिरावट है। अब पिछले कुछ दिनों से इसमें प्रेशर बना हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि रिजल्ट में रेवेन्यू कम हुआ था, बट ये कि जो इन्वेस्टमेंट आया रिलायंस में, रिलायंस जियो में, तो उसके वजह से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है रिटेलर से लेकर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सारे इन्वेस्टर्स को। पिछले एक हफ्ते से आपने देखा कि कुछ कमजोरी है, 2198 के आसपास से इसमें गिरावट है। काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, आज भी न्यूज़ है कुछ कंपनियों को एक्वायर कर सकते हैं, एरमको की डील आने वाले दिनों में हो सकती है, तो ढेर सारा इसमें खबरें बनी हुई हैं रिलायंस में। और दिग्गज स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसको टेक्निकली देखते हैं कि कहाँ तक ये आ सकता है, कौन सा जो सपोर्ट है इसका, अगर उसको ब्रेक करके या टूट के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा सकता है तो उसको देखेंगे। लॉकडाउन और कोविड-19 के बाद दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और लगभग दुगना से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। अब इन्वेस्टमेंट आ चुका है और जैसे कि रिटेल में काफ़ी ये अब अपना बिज़नेस फैलाना चाह रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी न्यूज़ बना हुआ था और रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की भी न्यूज़ बनी हुई थी, बट वो कुछ डेप्थ के कारण अभी नहीं हो पाया, तो आने वाले दिनों में वो भी होगा तो फिर उसके अनुसार भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट खबरें लगातार इसमें बनी हुई हैं जो रिलायंस का शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। रिलायंस में रेवेन्यू में लगभग 42% की कमी आई थी, बट प्रॉफिट लगभग 30% का बढ़ोतरी हुई थी। और जो फंड राइज हुआ था इनका राइट इशू के द्वारा, और जो फंड राइज हुआ था, देखिए ये पूरा डिटेल है, लगभग 3,36,294 करोड़ का इनका ग्रॉस डेप्ट है और कैश लगभग देखिए 1,75,259 करोड़ का है। डेप्ट देखिए लगभग 1,61,035 करोड़ और जो अभी फंड राइज हुआ है लगभग 2,12,809 करोड़ का, तो ये इनका लगभग काफ़ी अच्छा फंड राइज हुआ है। इसी के वजह से आपने देखा कि स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ गया है। एक तरह से आप मान के चलो फंड, एक तरह से मान के चले कि डेप्ट फ्री हो चुका है। तो और इसमें देखिए राइट इशू के द्वारा ये जो फंड राइज हुआ था, तो ये इन्होंने डिटेल दिया है, ये इन्होंने डिटेल दिया है। तो अब आने वाले दिनों में अरमोको का भी अगर डील हो जाती है तो स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, बट ये है कि जो जियो इनका काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहा है, आने वाले दिनों में रिटेल भी काफ़ी अच्छा कारोबार करेगा, तो रिलायंस एक तरह से आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट अभी कुछ स्टॉक में कमी पेशी है तो उसको हम टेक्निकली देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का ये रह सकता है। ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं और इसमें RSI को भी लगाया गया है, लगभग 57 के आसपास है और डेली में ये इसमें देखिए ये ऊपर से लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है, लगभग 2195 के आसपास 2200 से ये गिरावट है। हल्की सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आप देखिए ऊपर के लेवल से ये नीचे की तरफ, आज का जो कैंडल बना हुआ है इसका 2100 में इसने ओपन हुआ है, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा होगा 2100 में ओपन हुआ है, हाई बनाया है 2100 के आसपास और लो बनाया है 2071। अभी चल रहा है 2086 के आसपास चल रहा है, तो इसमें पिछले कुछ दिनों से गिरावट बनी हुई है। अब जब रिजल्ट निकला था तो उसको बताने की कोशिश थी कि हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए रिलायंस में, क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ था बट ये कि प्रॉफिट तो ठीक ठाक दिखाया था इन्होंने। तो यहाँ पे ये है कि अब जैसे इसको हम अगर देखें तो 2071 को अगर ब्रेक करके लगभग 2050 तक आता है तो आपको फिर और हल्की सी गिरावट दिख सकती है। तो इसको हम मंथली वाइज कैंडल में देखते हैं क्योंकि एक तरह से दिग्गज स्टॉक है ये, और अगर हम ये देखें ये लगातार ऊपर की तरफ गया है और जब ये लॉकडाउन और कोविड-19 के बाद का ये जो तेज़ी है इसमें देखिए हर मंथ का है ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त में ये ऊपर के लेवल पे लगभग 2200 से ये गिरावट में है, हल्का सा इसमें गिरावट है। अगर इस कैंडल का जो बना हुआ अभी तक जो बना हुआ है, ओपन हुआ है 2052 के आसपास, हाई किया है 2195, लो बनाया है 2004 के आसपास और क्लोजिंग हुई है अभी चल रहा है जो 2086 के आसपास, तो ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस है मान के चलिए 2195, ये मंथली वाइज बताने की कोशिश है। अगर इसके ऊपर अगर बंद होता है तो
तब आपको फिर अच्छा खासा लगभग वहाँ से 2300-2400 तक जाता हुआ दिख सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया, देखिए आप लगातार ये ग्रीन कैंडल बने हुए, अब इसमें इस मंथ अगर सपोज ये अपने लो से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, ये ध्यानपूर्वक सुने, अपने लो से, यानी मीन्स अभी जो लो बना हुआ है इसका, इस कैंडल का जो लो बना हुआ है वो है 2004, अगर ये 2000 से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तब आपको फिर ये और भी गिरावट दिखेगी। इसमें लमसम वो गिरावट होगी 1800 के आसपास तक वो गिरावट होगी। देखिए ये कैंडल बना हुआ है जून का कैंडल है ये, तो 1800 तक आता हुआ दिख सकता है इस मंथ। ध्यान रखिएगा अगर ये 2000 से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो मंथ के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर इस तरह का होता है तब आप इसमें कमजोरी देख सकते हैं। और कोई खबर आ जाती है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आ जाता है रिटेल में, उसके अनुसार फिर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट इसका जो अब एक तरह से ऊपर का जो होगा, ये अगर हम इस कैंडल को देखें 2197 यानी 2200 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वहाँ उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तब आपको फिर लगभग 2300-2400 तक जाता हुआ दिख सकता है। वो आने वाले समय में होगा जब ग्रोथ बनी रहेगी, बट ये है कि अभी का जो अब हम देख रहे हैं तो पिछले महीने जुलाई के महीने में आप देखिए 1700 से, इसमें देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, आप देख लीजिए ओपन हुआ था 1717 के आसपास और हाई बनाया है 2117, काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है जुलाई के मंथ में। अब जो अगस्त के मंथ में जब से रिजल्ट आया है इसमें, तब से इसमें हल्की सा गिरावट है, यानी मीन्स प्रेशर है या दबाव है ये आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू रहा है उसमें कमी पेशी रही है। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा तो उसमें अगर उससे भी कम अगर होता है रेवेन्यू, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक फिर नीचे की तरफ आता हो, प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से की है, क्योंकि तो थोड़ा सा सावधान या अलर्ट रहना चाहिए जो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आप जो 2000 का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है, लो बनाया है मीन्स, अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर आपको ये 1800 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। आप इससे अलर्ट रह सकते हैं और मार्केट से प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। देखिए इसमें मूविंग एवरेज भी लगा दिया है, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो काफ़ी ऊपर की तरफ है, बट ये है कि जो इसका जो अभी जो कैंडल बना हुआ है 2000 का अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप मान के चलिए जो ये वाला कैंडल है इसका जो हाई बना हुआ था, तो लगभग 1800 तक का एक नीचे का टारगेट दिखता है अगर 2000 से नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाएगा। और RSI को भी देख लीजिए लगभग 72, यानी मीन्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है, इसमें गिरावट हो सकती है रिलायंस में। ये आप लोगों को अपडेट था, काफ़ी व्यूअर्स इसको पूछने की भी कोशिश कर रहे थे कि रिलायंस को यहाँ पे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो थोड़ा सा गिरावट होने दीजिए और उसके अनुसार आपको ट्रेड करना चाहिए। और तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्री का आप लोगों के लिए अपडेट था और टेक्निकली एनालिसिस और विश्लेषण था कुछ, तो रिलायंस में नज़र रखिए, अगर गिरावट होती है तो डेफिनेटली अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार इसमें फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।